ରେଡି ରେଡି ଭାଇ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାଟା ପଛରେ ରଖ ଆରାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସ ଗଲା ଆଉ ପତାକାଟା ରଖିଦେଲେ ମୁହଁରେ ପତାକାଟା କାଢ଼ିଦିଅ पॉलिटिकल पार्टी एरिया पॉलिटिकल पार्टी बढ़ने और कैंडिडेट्स के बारे में और विनर्स के बारे में बैकग्राउंड डेटा के बहुत और हमारा ये मानना है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉलिटिकल फंडिंग है आजकल। अगर पॉलिटिकल फंडिंग ट्रांसपेरेंट हो जाए, पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई के दायरे में आ जाए, जैसा कि सीआईसी का जजमेंट था जून 2013 का, जो कि पॉलिटिकल पार्टी ने बिल्कुल नहीं माना, उसके ऊपर हमने एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई है और दूसरी पीआईएल हमने पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे के ऊपर, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कैंडिडेट्स के ऊपर खर्चा करने की सीमा है। एमपीस के लिए 70 लाख है, स्टेट्स के एमएलए के लिए 28 लाख है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्च कर सकती है इलेक्शन में उसके ऊपर कोई सीमा नहीं है। और इसी की वजह से बेतहाशा पैसा, जो कि आप ऑफिशियल फिगर देखते हैं, जैसे पिछले 2014 के चुनाव का 30,000 करोड़ रुपये का पैसा ऑफिशियल फिगर था, लेकिन आपको मालूम होगा कि वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जिसको कहते हैं। ये बेतहाशा ब्लैक मनी इलेक्शंस के दौरान इस्तेमाल किया जाता है और उसके ऊपर कोई रोक तो इलेक्शन कमीशन कोशिश करता है लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं। पर लेकिन अभी जैसे देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष के द्वारा चुनाव से पहले काफ़ी पैसा बांटा जा रहा है, विभिन्न योजना करके पैसा बांटा जा रहा है, वो भी तो एक प्रॉब्लम है। जो है अब ये तो जैसे बजट के अंदर ये बजट के अंदर ये नए नए तरीके निकालते रहते हैं कि किस तरीके से सिस्टम को बाईपास किया जाए। अभी जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इन्होंने जो स्कीम निकाली थी, उसको फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट समय पर बोला था कि हम ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कर रहे हैं। ये कैसी ट्रांसपेरेंसी है जिसको कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो पहले थे दो, उन्होंने खुद इसके खिलाफ बोला था कि हम ट्रांसपेरेंसी नहीं कर रहे हैं, उसके विपरीत है। क्यों? क्योंकि आप डोनर्स का तो नाम ही नहीं बता रहे करना सिर्फ नाम जो आता है, हमने जो अभी रिपोर्ट्स निकाली सिर्फ बड़े डिनोमिनेशंस के इलेक्शन को नहीं दे रहे, छोटे डिनोमिनेशन के लिए नहीं दे रहा है। और जितने 222 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड से पिछले साल में अर्जित किया गया है, जो कि पोलिटिकल पार्टीज ने अपने डोनेशन रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन को बताया है, 222 करोड़ में से 5 करोड़ कांग्रेस को मिला है और 200 करोड़ बीजेपी को मिला है, सब बाकी जो है वो छोटी मोटी पार्टी उसका कोई डिटेल नहीं गया। सो मैं ये कह रहा हूँ कि अब इसके बारे में किसी को नहीं पता कि ये किसने दिया है। सो ये पारदर्शिता नहीं है, ये अपेसिटी इसके विपरीत है। सो ये इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स या पॉलिटिकल फंडिंग में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जैसा अभी सिस्टम चल रहा है ऐसा ही चलता रहे। और ये तभी बदल सकता है जब सिविल सोसाइटी, मीडिया और वोटर्स इसके ऊपर दबाव बन रहा है, प्रेशर बन रहा है, तभी ये सिस्टम बदलेगा, अपने आप से नहीं बदलेगा। सब ठीक है, इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा। फिल्म क्या था हमारा जो नेशनल इलेक्शन बोर्ड है, यहाँ पूरे देश में एडीआर के लगभग 1200 पार्टनर्स हैं जो कि मिलकर इलेक्शन वॉच का कैंपेन करते हैं। इसमें हम वोटर्स को वोटिंग करने के लिए निमंत्रण देते हैं कि आप लोग जाकर वोट करिए, और
अच्छे लोगों को चुनना। हम किसी पार्टी के बारे में नहीं बोलते कि आप ए पार्टी को या बी पार्टी को वोट करें, हम सिर्फ ये बोलते हैं उन लोगों को चुने जो आपके लिए अच्छा काम करें, और जब आप वोट डालते हैं तो उसमें घूस ना लें। और ये कैंपेन ओडिशा इलेक्शन वॉच के तहत अभी यहाँ शुरू हुआ है, ये पहले स्टेट में आज शुरू हो रहा है, और ये ओडिशा के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में दो गाड़ियों को डिस्ट्रिक्ट्स बांट दिए गए हैं, और बराबर बराबर 15 डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे और दो टीम इनके साथ बनाई है। तो इसमें वो पर्चे बांटेंगे और ठीक है जी ना नहीं इंटरेक्ट करेंगे, और ग्रास रूट लेवल्स पर ये मैसेज जो हमारा इलेक्शन वॉच का है कि अच्छे लोगों को उसको करने के लिए ये मुहिम शुरू की है। Thank you.